गाइस वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। ये खड़ी आर एस 200 जिसके ऊपर कल वीडियो का डाल दिया आप लोग तो कमेंट में बिल्कुल मतलब मेरे को गोली बंदूक लेके तैनात हो गए। प्रीत भाई क्या खरीद रहे हो, बेकार है, कूड़ा है, कबाड़ा है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने बोली। मगर इतने सारे कमेंट में से ना किसी एक भाई का या दो का कमेंट ये था कि भाई बाइक का इंजन अच्छा होना चाहिए, वो बाकी सारी चीज़ें जो खराब है वो तो ठीक हो जाती हैं, यही मेरा भी सोचना था। कोई कह रहा कि प्रीत भाई आप मतलब ऐसी बाइक क्यों ले रहे हो, इसमें तो इतनी कमियां हैं, ठीक कराओगे, क्या करोगे। उन्हें लग रहा होगा कि ये कमियों वाली बाइक खरीदे फिर इसकी दिक्कतें बताएगा, फिर इस पर वीडियो बनाएगा, कहेगा आर एस बेकार है। नहीं भाई, मैं खरीद रहा हूँ किसी वजह से खरीद रहा हूँ। तो बात पता है क्या हो रही है, अब मैं आपको मुद्दे की बात पे आता हूँ। ये वाली वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली सीन ये है कि इस बाइक के जो ओनर है ना, मेरी उनसे आज बात हुई, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने बाइक वाइक देख ली, तो भाई कह रहे हाँ भाई मैंने भी वीडियो देखी, तो उन्होंने कमेंट वमेंट देखे। मैंने कहा यार भाई देखो ओवरऑल मैं इस बाइक के आपको 40,000 रुपीज़ देने के लिए रेडी हूँ, 40,000 रुपीज़ इस बाइक के लिए एकदम बेस्ट प्राइस है। आप क्या कहते हो भाई जी, कैमरे के पीछे आओ, फ्रेम में आओ, 35 इधर आके खड़े हो, मेरे हिसाब से 35,000 रुपए मैक्स है, इससे ऊपर नहीं, 40,000 रुपए मैक्सिमम और कम से कम 35,000 रुपए, क्योंकि मैंने भी चला के देखे 40 से ऊपर की नहीं है क्योंकि खर्चा काफी सारा है ना। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैं 40 दे दूंगा, मैंने 40 के बाद 42-43,000 रुपए तक भी ऑफर करा। भाई कह रहे हैं यार मैं एटलीस्ट 60,000 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा 60,000 रुपए ले लो, मगर जो कमी है वो ठीक करा दो, एकदम टिप टॉप करा दो, एकदम वर्किंग कंडीशन में वो सारी चीज़ें, जैसे कि रेडिएटर नहीं चल रहा, ओवरहीट हो रही है, अगर ओवरहीट हो खड़ी हो रही है, एक मेजर सर्विस मांग रही है ये। खाली हालांकि दिक्कत है तो मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताई थी, तो वो एक चीज़ है। बाकी ओवरऑल चलाने में बाइक अच्छी है, इंजन ठीक है, हाँ इंजन में भी कमियां तो हैं, पर औरों के हिसाब से देखें तो थोड़ी ठीक, हाँ ये बात सही कह रहा है, इंजन वाइज ठीक है। देखो जैसे कि इसके इंजन पे मैं बताता हूँ एक चीज़, यहाँ पे भाई ने पहले इस बाइक के जो ओनर, उन्होंने क्लच व्लच प्लेट चेंज कराई होगी, तो इसमें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बॉन्ड लगा हुआ है, मैं अभी आपको ऐसे पास से नहीं दिखा पाऊंगा टच करके, जैसे इधर देखो ना बॉन्ड बहुत ज़्यादा लगा रखा था, वो एक चीज़ की इशू वगैरह बता रहे थे। और उसके अलावा मतलब कुछ कमियाँ थी जो इसके अंदर मैं ठीक करवाता, और मोटा मोटा इन सारी कमियों को ठीक करवाने में 15,000 से 20,000 रुपये कहीं नहीं गए थे, लगी जाते। क्योंकि यार पाजी एक बात समझो, कम से कम हम टायर डलवाएंगे 6,000 रुपये का, तो टायर भी डलेंगे, रैम्स अगर डलवाते 110 और 150, आगे 110 पीछे 150, चलो मोटा मोटा 6 लगा लेते हैं, 6,000 रुपये के वो हो जाते हैं। एबीएस की मोटर 12,000, एबीएस की मोटर खराब है, 11,000 से 12,000 रुपये की वो आती, अगर मैं ठीक करवाता, चलो मान लो बिना एबीएस के भी एक बार के लिए चला लेता, तो फिर भी थोड़ा टेंशन तो रहती है ना। इसके ब्रेक पैड और वो मास्टर सिलेंडर चेंज, ब्रेक पैड मास्टर सिलेंडर चेंज होना है, पीछे और आगे के दोनों के ये चेंज होने हैं, इसके कैलिपर चेंज होने हैं, और ब्रेक पैड भी डलने हैं, टायर चेंज हो रहे हैं, इंडिकेटर चेंज हो रहा है, 2,500 के तो इंडिकेटर ही आएंगे भाई, ओरिजिनल केटीएम के, आरएस के, एंड लाइट्स इसकी एलईडीज करवाता, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ हो जाती है यार, छोटी छोटी देखने जाएंगे तो सीट हाँ थोड़ी सी मतलब इसकी ख़राब हो रखी है, पर्सनली मेरे को ऐसी सीट जमती नहीं है, तो सीट में इसकी नॉर्मल करवाता, वो एक इशू है। फिर भाई देखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी हो जाती है, इंडिकेटर ये वो सो पता नहीं क्या ही क्या है, रेडिएटर चल नहीं रहा, पता नहीं रेडिएटर खराब है, फैन खराब है, एबीएस तो बिल्कुल नहीं चल रहा, एबीएस तो एक बार भी किक इन नहीं कर रहा। कल वाली वीडियो पे लोग कह रहे थे प्रीत भाई पीछे में एबीएस नहीं आता था, सिर्फ रिंग लगी हुई है, मुझे यार ये बात बाद में ध्यान आई थी, पता मुझे भी थी, अलॉय व्हील बैंड, इंस्पेक्शन। तो खैर चलो ये है जंग लगा हुआ है, और हाँ जंग से पाजी एक चीज़ और है, मैंने अख्तर भाई को दिखाया ना, कह रहे इसकी चेसिस पे यहाँ पे जंग लग रहा है, इस पे यहाँ वेल्ड कराना पड़ेगा, तो ये भी एक चीज़ थी, जंग तो इसमें बहुत सारी जगह पे, हाँ तो बहुत सारी जगह मतलब ऐसी हैं इसके ऊपर जहाँ पे ना इस पर काम कराने की थोड़ी सख्त ज़रूरत है, तो वो एक चीज़ थी, तो उस चीज़ को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए हुआ क्या भाई, मैंने बोला 40,000 रुपये ले लो यार, दे दो मान जाओ, तो भाई भी थोड़ा नहीं मान रहा यार, देखो सबकी अपनी पर्सनल चीज़ रहती है, अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी का वो बोलेंगे जो भी रेट है उनकी चीज़ें है ना, तो उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकता हूँ। तो सेकंड ऑनर भी थी इस वजह से मैं ज़्यादा प्राइस में ऊपर नहीं बढ़ रहा हूँ, वरना अगर कोई चीज़ मेरे को पसंद आ जाती है ना, 2,000-5,000 रुपये महंगी ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देखो चीज़ मेरे को ठीक लग रही है, लेने लायक लग रही है, पर उसके अलावा काम तो काफ़ी सारे कराने ही हैं, बट भाई थोड़ा नहीं झुक रहे, कह रहे हैं 58-57, नहीं यार 57 भी बहुत ज़्यादा है इस बाइक के लिए, जेन्युइन बताऊँ तो जैसे उन्होंने बोला 35-40 इतना प्राइस ठीक है, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा कितने की ठीक है ये वाली बाइक, मैंने फिर इसमें दिक्कत बताई, कह रहे 35,000 रुपये की ठीक है, मैंने कहा यार आप भी बहुत कम बोल, पापा कल 35,000 रुपये कह रहे, जब मैं इसको शाम को लेकर आया ना, इतनी है, अगर तुम किसी डीलर के पास जाओ, मैं मुझे नहीं लगता इतनी सारी कमी देखने 30 पे भी वो मानेगा, तो वही वो रो रो के ही लेगा, वही एक चीज़, क्योंकि डीलर का पता है क्या होता है, वो सेकंड ओनर बाइक है, वो इतना पैसा अपना पता है किस चीज़ पे फंसाते हैं, जहाँ उन्हें ये लगेगी हाँ भाई हमारा पैसा की वर्थ हम निकाल लेंगे, तो यहाँ इसकी इतनी वर्थ नहीं आ पाएगी, बजाज की थोड़ा रीसेल का भी इशू रहता है, हमने तो खुद भुगती हुई है ना भाई, हमने तो एक साल चलाने के बाद 80,000 के लॉस पे बेची थी, तो अब हमसे ज़्यादा तो कौन ही बताएगा इस चीज़ को, तो वो भी एक इशू वाली चीज़ है, तो वो चीज़ भी एक मतलब है थोड़ा पंगा ओवरऑल, वो मतलब चीज़ें बहुत सारी बन रही हैं, तो इस वजह से भाई फिलहाल तो मैं इस वाली बाइक को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ लेने का प्लान, लेंगे दूसरी BS 3 या 4 लेंगे, तो आप लोग बताओ, कुछ लोगों ने कल वाली वीडियो पर कमेंट करा, कह रहे कि भाई वेस्ट बंगाल से या फिर पता नहीं कौन सी स्टेट से कह रहे थे, पंजाब
कह रहे भाई पंजाब से आके ले जाओ आपको एक नंबर कंडीशन में बाइक मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। मैंने कहा यार देखो पंजाब से ले तो जाऊँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यार आने जाने में फिर मैं जाऊँ वहाँ पे बाइक चेक ना हो पाए तो वो एक इशू रहता है। दिल्ली में तो अपना जैसे मर्जी वैसे चेक करवा लेंगे, है ना। और मेन बात है ना इतनी दूर से फिर लेके आनी, नाम कराने सब, वो नाम पाजी वो सब भी दूर की बात है। मैं मानता हूँ इंजन कहाँ चेक कराऊंगा मैं, बजाज वाले को मुझे भरोसा नहीं है, वो पता नहीं क्या ही बताते हैं। जिससे मैं चेक कराना चाहता हूँ बंदा दिल्ली में, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी बन जाती है। तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली में अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ तो केटीएम वालों को भरोसा नहीं रहा आजकल। एग्जैक्टली भाई केटीएम वालों भाई आरती की स्टोरी है, थोड़ा केटीएम वालों को भरोसा नहीं है, तो वो एक चीज़ है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हो थोड़ा। तो फिलहाल भाई ये वाली बाइक तो कैंसिल है, अब इसको मैं भाई को रिटर्न कर दूंगा अभी जाके, तो इसलिए मैं वाली वीडियो बना रहा था। ये वाली आर एस तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ ये है कि आर एस अगर कोई आप लोगों की नोन में आए तो प्लीज़ यार आप लोग मेरे को कॉमेंट करके या कॉल करके, जैसे भी कॉल तो खैर नहीं कर पाओगे सॉरी कॉल तो नहीं हो पाएगी, इंस्टाग्राम पर मैसेज वैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेरे को डीएल नंबर थोड़ा सा चाहिए, थोड़ी सी मेरी प्रायोरिटी है, मेरे को डीएल नंबर चाहिए, वरना मैं तो इस बाइक को लेने के लिए रेडी था। मेरे को प्राइस की बात हो रही है थोड़ी, है ना। 40,000 में बाइक लेके ऊपर से 20,000 रुपये लगा के 60,000 रुपये की बाइक अपनी टिच हो जाती चलने लायक, फिर हम इस पर एक करते हैं मॉडिफिकेशन जिसमें ऊपर से 15-17,000 का खर्चा था जो हम बात करके आए थे ऊपर में, है ना। तो 15-17,000 में इस बाइक की ऐसी मतलब जिंदगी संभाल देते ना हम, ब्रांड न्यू बाइक भी ऐसी नहीं दिखती है कि नहीं। वही तो बात है, वो भाई करा के दे दे तो हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। मैं कहा भाई काम करा के दे दो, रेडिएटर ठीक करा के दे दो, क्लच प्लेट डलवा दो, और एक इसकी बैटरी खराब है बैटरी डलवा दो, बस तीन काम मांग रहे हैं। और एक बेसिक सर्विस जो होती है वो टायर हम डलवा ही लेंगे, टायर क्योंकि मैं अपनी पसंद का डलवाऊंगा, टायर का तो ऐसा है कि भाई हमें पता है इसमें क्या चलेगा, मतलब हमें क्या चलाना है, चलेगा तो खैर ये भी चल जाएगा जो पड़े हुए हैं। तो बाकी ये एक रीज़न है जिस वजह से इस बाइक को भाई मैं लेने का सोच रहा था। और कमेंट में आके आप लोगों ने बहुत सारी बातें बोली कि मतलब प्रीत भाई क्या हो गया, क्या खरीद रहे हो, बेकार है, कबाड़ा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी कमियों वाली बाइक मत खरीदो। हालांकि मैं मानता हूँ कमियाँ बहुत सारी, बट मेरे को ये था कि मैं ठीक करा लूँगा, है ना। तो वो एक चीज़ थी, क्योंकि कोई भी कभी भी आप प्री ओन्ड बाइक खरीदोगे ना भाई, कम से कम प्री ओन्ड बाइक पे 5-10,000 तो लग ही जाते हैं नाना करते हुए भी, है ना। तो वो एक चीज़ है, तो वो चीज़ मैं एक मतलब पहले से ही ना अपना एक माइंड बना के चल रहा था कि हाँ भाई इतने पैसे मेरे इस पे लग जाएंगे, तो वो एक चीज़ थी। बाकी अब तो फिलहाल भाई इसको डिस्कार्ड ही है। अब इस वीडियो में बस मैं आपको यही बता रहा था कि इस बाइक का क्या स्टेटस रहा। कभी आप लोग सोचो कि भाई ऐसी वीडियो बना बना के बोले जा रहा है खरीद वरीद रहा नहीं है कुछ, भाजी अब बताओ भाई हम तो खुद तड़प रहे हैं लेने के लिए। भाई हम तो नई बाइक पे भी ऊपर से 5-10,000 लगाते हैं तो फिर भी सही नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे, एक बंदे कमेंट आया कह रहे 50-60,000 रुपये दे तो नई बाइक मिल जाएगी, मुझे नई बाइक में भाई ऐसी पावर दिला दो मैं कल खरीद लूँ, क्या बोलते हो। नई बाइक में आई नहीं है यार, नई बाइक में जो पावर वो 7,000 RPM पे दे रही है, वो पावर ही 4,000 RPM पे देती है भाई, बहुत फर्क होता है उस चीज़ का। और अभी हम भगाती हुई लाए थे, एग्रेशन लेवल क्या है इसका बढ़िया एकदम है, 100 कब चली जाती है पता नहीं चलता। तो बहुत सारी चीज़ें यार जिस वजह से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग। और एक बड़ा रीज़न पाजी और भी है मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, अब आप एक बात समझो, मैं डेली ड्यूक चलाता हूँ, महीने में ड्यूक का मेरा मान लो खर्चा होता है मोटा मोटा 20-25,000 रुपये खर्चा होता है, आप लोग एक समझो बात को, ठीक है। मैं इसको ले लूँगा, वो मेरा 20-25,000 के बदले खर्चा 10-12,000 रुपये आ जाएगा, 15 पे तो आ ही जाएगा, जो 10,000 रुपये बचेंगे उन 10,000 रुपये आएगा, 15 क्योंकि पीते भी ऐसी रही, हाँ चलो 15,000 रुपये आ जाएगा, जो 10,000 रुपये मेरे बचेंगे उन 10,000 रुपये के, जहाँ पे मेरा आज की डेट में बजट फॉर एग्जांपल मान लो 6-7-8 लाख रुपये की सुपर बाइक लेने का, वो बजट मेरा 8 से मैं 13 लाख रुपये एक्सटेंड कर लूँगा, समझ लो ना आप। जहाँ पे मैं 10,000 रुपये बचा के अगर उधर डालूंगा तो बड़ी चीज़ जल्दी आएगी, वो एक मेरा सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा मेन कंसर्न ही मेरा आर एस लेने का ये है। डेली ड्यूक चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, उस पर खर्चा कर रहा हूँ कम से कम 1-1.5 साल से चला रहा हूँ डेली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, ठीक है ना। थोड़ा पैसे बच जाएंगे, एक अच्छी सुपर बाइक ले लेंगे, थोड़ा हल्दी कर लेंगे, तो बस एक वही बात है और कोई बात नहीं है। फिर वो है ना, एक हर कैटेगरी की एक बाइक हो जाएगी, और अपने पास फिर एक भाई मेरे पास ऐसा हो जाएगा कि अपने पास सारी ऐसी बाइक होंगी जो सेगमेंट किलर है। 200 cc में आर एस से ऊपर कुछ नहीं आता है। RC 390 RC 200 काफ़ी लोग बोलेंगे, न्यू वाली आती है जरूर बट जिस टाइम की ये न्यू वाली को भी पीट देती है, ठीक है। अब 400 cc में आ जाओ, ड्यूक 390 से ऊपर कुछ नहीं आता है, RC 390। खैर वो तो दोनों बहनें हो गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चीता डुकासुर भाई भाई होगा, वो एक अलग चीज़ है। बाकी अगर फिर हम जो मैंने सुपर बाइक सोची है वो भी खैर सेगमेंट की किलर ही है है कि नहीं। तो मतलब मैं सारी चीज़ें ऐसी लेके चल रहा हूँ कि जो कि मतलब बेस्ट इन सेगमेंट वाली चीज़ है। तो इस वजह से मैं एक आर एस को लेकर अपना गैराज भी कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइनअप भी हो जाएगा, डेली चलाने के लिए मेरे पास एक एंटॉर्क भी रहेगी, स्कूटरी भी रहेगी, और बाकी एक ओला S1 भी देख रहे थे, खैर छोड़ो वो एक अलग बात है। तो अपना वो एक रीज़न है। तो मतलब बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से मैं RS 200 की तरफ आया हूँ। आप लोग ये मत समझो कि सुपर बाइक ले रहा, भाई सुपर बाइक लेंगे भाई, थोड़ा सोच समझ के स्टेप लेना समझदारी होती है भाई, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो, ऐसे नहीं लिया। हाँ 10-12 लाख रुपये छोटा अमाउंट तो होता नहीं है, 10-12 लाख रुपए गाइस हम किसी चीज़ पर लगाएंगे और उसके बाद वो 10-12 लाख रुपए की वैल्यू हर साल घटनी है, और ऊपर से प्लॉट भी तो नहीं पड़े ना। हाँ एक आधा ऐसा प्लॉट प्लूट होता तो एक आधा इतना टुकड़ा जितने में ग्रीन डिया बेच देते तो वो भी एक चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इस बाइक को कंसिडर कर रहे थे, मतलब RS 200 लेने का मेरा अभी प्लान है। तो मेरी आप लोगों से फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी मेरा भाई RS 200 बेच रहा हो अच्छी कंडीशन की, हो BS 4 हो BS 3 हो, ठीक प्राइस पर मिल रही हो, प्लीज़ लेट मी नो, मैं ले लूँगा उसको, है ना भाई। और दिल्ली की होगी तो बेहतरीन,
दिल्ली की हो तो फिर तो भाई बेस्ट। फर्स्ट ऑनर 70,000 की या 65,000 की, 60,000 की मिले मैं लेने को तैयार हूँ। नहीं तो प्रोग्राम तो मुंबई से लाने का ही बन गया, प्रोग्राम तो मुंबई से लाने का ही बन गया था, सही कह रहे हैं, मगर वहाँ बात नहीं बनी। मजाक से हटके भाई, वहाँ बात नहीं बनी। बीच में जो है वीडियोज़ मेरी इतनी फ्लक्चुएट हो रही हैं, कहाँ मैं रेगुलर डालता था, कहाँ आगे पीछे हो रही हैं भाई, इतनी सारी चीज़ों में थोड़ा फंसे हुए हैं, कभी बाइक का, कभी बाइक का है, कभी किसी और चीज़ का, कभी किसी और चीज़ का, तो बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से थोड़ा वीडियो फ्लक्चुएट हो रही है। खैर इन्हें मैंने काम पर रख लिया, अभी रेगुलर डेली वीडियो डाला करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्लीज।